मार्च 2005 को तुर्क हुकूमत की तरफ से इस्लामाबाद के शहरियों को दिया गया अंकरा पार्क वफाकी तरक्याती इदारे की बेहिस्सी की नज़र हो गया। अंकरा पार्क में तुर्क हुकूमत की तरफ से खूबसूरत मुजस्मे भी नष्ट किए गए, जो वक्त के साथ साथ टूट फूट का शिकार हो गए। 2009 में अंकरा पार्क में डांसिंग फाउंटेन का संगे बुनियाद रखा गया, जिस पर 11 करोड़ की लागत आना थी, लेकिन ठेकेदार रकम वसूली के बावजूद काम मुकम्मल ना कर सका। गवर्नमेंट की नाहली है, जो ठेकेदार को इधर काम दिया गया था वो कंप्लीट होना चाहिए था। अभी इधर ना कोई सिक्योरिटी का कोई प्रॉपर निजाम है, कोई सिक्योरिटी गार्ड नजर नहीं आ रहा हमें। शहरियों का कहना है इस्लामाबाद जैसे खूबसूरत तरीन दारुल हुकूमत में अंकरा पार्क जैसे अधूरे मंसूबे पर अरबाब इख्तियार को तवज्जो देनी चाहिए। इधर पानी का प्रॉपर निजाम है ना, पीने के लिए है ना, उधर खेलने के लिए बच्चों के लिए झूले वगैरह है, सभी कुछ टूटा हुआ है। पार्क में सिक्योरिटी का भी मुनासिब इंतजाम मौजूद नहीं। अरबों रुपए की लागत के बाद अंकरा पार्क जैसे दीगर कई अधूरे मंसूबे वफाकी तरक्याती इदारे की गफलत और नाअहली का मुंह बोलता सबूत है। कैमरा मैन अनीस ख्वाजा के साथ ज़ुबैर रहमान, 92 न्यूज़, इस्लामाबाद।